हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहां पे हम करते हैं कोडेड बार्स को डिकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है ईपीआर का एक तरफ गाना और प्रोड्यूस बाय जीसस टॉम। सो भाई देखते हैं, ईपीआर है भाई, ऊपर भगवान के भरोसे आए हैं और भगवान के भरोसे हम जाएंगे। सुनते हैं भाई, सुनते हैं गाना, सुनते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता। लेट्स गो। मैंने पहली बात, मैंने क्यों गाना सुना हुआ है ईपीआर का, और मुझे इसमें ये समझ में आया था भाई, जीरो जीरो जीरो। तो भाई देखते हैं इस गाने में। बस मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि उस वक्त मैं बिजी था थोड़ा, बट ये वाला गाना सुनते हैं भाई, देखते हैं इसमें क्या है। सो लेट्स गो, 1, 2 एंड 3 चलो। सब टाइटल्स हो बस, फिर तो देखते हैं क्या होता है अपनी पूरी कोशिश। जिंदगी के करवटों पे राह अपनी ना पलो, कोहरे से चीर के निकल जिगर में शमशीरों की चमक। सबक है हर हार में बसी जीत की तलब, कयामत को भी डाल दे जो तेरी जिद हो एक तरफ। री क्वांटिटी ऑफ टैलेंट क्वालिटी। रुको भाई, रुको रुको, कयामत को भी तू टाल दे जो जी तेरी जीत हो एक तरफ, तो जो तेरी जिद हो एक तरफ। मतलब अगर तू किसी चीज के पीछे पड़ गया है, अगर तेरी किसी चीज को पाने की जिद है, तो ब्रो कयामत आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं रोक सकता तुझे, बस अपनी जिद पे अड़े रहो, सही चीज के लिए, गलत चीज के लिए नहीं भाई, सही चीज के लिए। वर्ड्स है इसके बाद, रेडी? आर यू गाइज रेडी? Let's go. जो तेरी जिद हो एक तरफ। री क्वांटिटी ऑफ टैलेंट क्वालिटी हमेशा विशेष फिलॉसफी ना खींचो सॉक्रेटिस की रिक्शा। ले तू गया जने सा आधुनिक अलेक्सा, हट जा धूप से के नेते आसन कर रसायन तपस्या। ऐलाने मटर गश्ती संचित की टोटल कश्ती, हर दिन समुद्र पे सौ युद्ध अर्थशास्त्र कसरी। तुम माफी सौ को चर भी परिस्थिति को सासी, मैं मित्रानी को बापी सब कोबरा काय से मासी। मैं ओडी वाकनो भी धोबी घाट पे उगाए सारो साइबेन, मेरे क्वावियंस वाइबेन न घोरियों की डालक कसोटियों पर। भैया क्या क्या क्या, एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा भाई। एक तो इस प्रोनाउंसिएशन इस अलग है, ऊपर से जो ईपीआर लिखता है भाई, क्या दिमाग लेके लिखता है भाई। मेरे को एक वर्ड, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैं हिंदी हिंदी में सुन ही नहीं रहा। इट्स नॉट इन हिंदी ब्रो, हिंदी में मुझे लग ही नहीं रही है भाई ये चीज। बट स्टिल मुझे कुछ कुछ वर्ड के मतलब सब पता है भाई, थोड़े पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो उसका कुछ फायदा है कि हमें कुछ वर्ड्स के मतलब पता है, तो हम उसे करेंगे भाई। कुछ तो बोलना है, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो डिकोड करेंगे, कुछ तो डिकोड करेंगे, वरना चैनल का चैनल बेफालतू में है भाई। रुको, रे क्वांटिटी, रे क्वांटिटी और तालिबे क्वालिटी हमेशा। ओके, सो यहाँ पे ईपीआर जी बोल रहे हैं कि रेक वन इज अ रैपर, आई थिंक एक और एक रैपर है, अमेरिकन रैपर आई थिंक। भाई तुम गूगल करना एक बार, रेक वन इज अ रैपर मेरे ख्याल से। तालिब क्वालिटी, क्वालिटी रख लाइक हमेशा क्वांटिटी और हमेशा क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी देता हूँ मैं क्वालिटी के साथ, लाइक गाने भी बहुत सारे एंड जो भी तुम कर रहे हो उसमें क्वांटिटी दो, समझ रहे हो ना, ज़्यादा दो और क्वालिटी भी दो, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है गानों में और तुम्हारे क्वांटिटी बेकार है, लाइक ज़रूरी नहीं है गाने, कुछ भी तुम्हारा आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आर्ट फॉर्म, ठीक है। विशेष फिलॉसफी ना खींचू सोक्रेटिक्स की रिक्शा। इसमें विशेष मतलब कि एक एक विशेष चीज, लाइक स्पेशल चीज, एक राज वाली चीज, ऐसी कुछ विशेष। अब मेरे को ये जो ब्रैकेट में लिखा है विशेष, इसका मतलब नहीं पता। द फिलॉसफी इज रिलेटेड टू फिलॉसफी खींचू ना सोक्रेट्स। सोक्रेट इज अ ग्रीक फिलोसोफर आई थिंक, जिसने लाइक लाइफ के बारे में कुछ खोज किया था, तो
तुम गूगल कर लेना भाई उसको भी। उसने कुछ लाइफ के बारे में कुछ खोज किया था, बट मेरे को इतना ही पता है। उसके बाद इस बार में क्या बोल रहा है भाई ईपीआर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। विशेष फिलॉसफी ना खींचू सोक्रेट्स की रिक्शा। ओ ओ सो ही इज सेइंग कि मेरे मेरी जिंदगी में एक एक फिलॉसफी है, समथिंग लाइक मैं अपने मतलब से चलता हूं, लाइक मैं एक एक चीज एक तरीके से जीता हूं। खींचू सोक्रेट्स की रिक्शा ना खींचू सोक्रेट्स की रिक्शा। सोक्रेट्स इज अ ग्रीक फिलोसोफर जिसने कुछ लाइफ के ऊपर कुछ रिसर्च की थी और कुछ था उसके, ही सेइंग कि मैं सोक्रेट्स की जो जो भी उसने किया था उसकी रिक्शा ना खींच, मैं नहीं खींचता, मैं अपनी फिलॉसफी पे चलता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोल रहा है। ओके ये भाई यहाँ से सुना मैंने और यहाँ से ऐसे गया ऊपर, ठीक है। आर्सेनिक रासायनिक तपस्या एलाने मटर गश्ती, आर्सेनिक कुछ केमिस्ट्री बार्स रासायनिक केमिकल होते हैं, तपस भाई कुछ क्या ही है भाई, मतलब सनशिन की टर्टल कश्ती मटर गश्ती, ये केम अप विद राइम्स आल्सो। हर दिन समुद्र पे 100 योद्धा, अर्थशास्त्र कस फ्री, कस मतलब गालियां, गाली होता है तो गाली फ्री, गालियों से आजाद अस्त्र अर्थशास्त्र हमारा। 100 योद्धा हर दिन समुद्र पे 100 योद्धा, अर्थशास्त्र कस फ्री, छोड़ो भाई। हर दिन समुद्र पे 100 योद्धा, अर्थशास्त्र कस फ्री, तुम माफी सौ को चर्बी परिस्थिति को सासी, मैं मित्रानी को बॉबी सको ब्रकाई से मार। यो थोड़ा इसमें समझ में आया कि दू मर्फीज लॉ को चर्बी। मर्फीज लॉ क्या था? मर्फीज लॉ ये था कि अगर तुम कोई काम करते हो और अगर तुम कोई काम करते हो वो गलत जाएगा, लाइक इफ समथिंग कैन बी रॉन्ग इट विल बी रॉन्ग, ये था मर्फीज का लॉ कि अगर कुछ भी गलत, अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो गलत हो सकती है तो वो गलत होगी। समथिंग कि तुम कोई बॉम्ब बना रहे हो, तुम्हें पता है कि अगर हमने केमिकल वेमिकल मिला इसमें कुछ गलत हो सकता है, बट रिस्क लेना है तो अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो गलत होगा, ये मर्फी का लॉ था, उसने बनाया था ये लॉ, ठीक है। तो ही सेइंग कि दू मर्फी लॉ को चर्बी, लाइक आई डोंट मैं मानता ही नहीं मर्फीज लॉ को, अगर कुछ गलत होगा तो भाई मैं उसको सही करूंगा। ही समथिंग लाइक दैट कि ही इज अगेंस्ट मर्फीज लॉ मेरे हिसाब से। परिस्थिति को सरसी, एंड सरसी इज अ नेम आई थिंक, पता नहीं क्या है भाई ये सरसी, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स में सुना है कहीं पे सरसी नाम है। मैं मित्रा मतलब दोस्त भी हो सकता है, पंजाबी में बोलते हैं मित्रा दा स्वैग यारा मार दे नी ड्रैग यारा, मित्रा दा मतलब तेरे भाई का स्वैग, लाइक समथिंग लाइक दैट। डियर मतलब डियर को बर्पीज इज एन एक्सरसाइज जिसको तुम ऐसे करते हो, एक बार जैसे पुशअप्स मारते हो पुशअप्स की पोजीशन में, फिर उठते हो फिर सीधा खड़े होकर उछल जाते हो, फिर वापस जमीन पे जाते हो, फिर लेटते हो, फिर ऐसे उछल के फिर ऐसे हो जाते हो, तो बर्पीज उसको बोलते हैं। पता नहीं भर ये कहाँ से कनेक्ट किया है भाई, मैं मित्रा द दियर मित्रान दीर पता नहीं क्या होता है, और कोबरा काय से मर्सी, आई डोंट नो कोबरा काय, कोबरा काय यार नाम सुना है बट आई डोंट नो हाउ टू रिलेट इट। सुनो भाई बस वाइब करेंगे गाने में, नहीं देखेंगे कुछ, नहीं देखेंगे, सिर्फ वाइब करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं कर सकते ब्रो इतना। जीत की तलब कयामत को भी डाल दे जो तेरी जिद हो तरफ, जो तेरी जिद हो तरफ, जो तेरी जिद हो तरफ, जो तेरी जिद हो तरफ। हिप हॉप कशी में आर्टिस्ट्री की क्या है वैल्यू, नशा खोरी वैली अंकी
या फिर amplify your volume. मुखल से वैसे उठा you to साम्प्रदायिक कानून. वैसे मैं खासे वैसे बोलने को मैं चाहे you to कोरी वैली अंकी. कौमियत है हिप हॉप क्रिसी हिप हॉप क्रिसी ठीक है. मैं आर्टिस्ट्री की क्या है वैल्यू. नशाखोरी वैल्यूम. वैल्यूम क्या होता है ब्रो की या फिर एम्पलीफाई योर वॉल्यूम. नशाखोरी वैल्यूम की या फिर एम्पलीफाई योर वॉल्यूम. अपनी आवाज को उठाओ. लाइक कौमियत है हिप हॉप हिपोक्रेसी में आर्टिस्ट्री की क्या है. हिप हॉप में हिपोक्रेसी आर्टिस्ट्री की क्या है वैल्यू. नशाखोरी वैल्यूम या फिर एम्पलीफाई योर वॉल्यूम. पता नहीं भाई. या फिर एम्पलीफाई योर वॉल्यूम. मुखल से वैस उठना यू तो साम्प्रदायिक कानून. वैस में खासे वैस बोलने को मैं जागरूक. अब दस्तयेवस्की ब्लैक आप हो बट वी नो भावुकता. दोस्त भाई इस वर्ड को तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा. दोस्तों इस विस को दोस्तों स्काई ब्लैकआउट पोएट्री नो भावुकता. छोटी कहानियां चेकोव की एक गुलदस्ता एक धुन जज्बात वही के अब भी दिन वही. भाई मेरे को ये याद ही नहीं होंगे यार लिरिक्स. क्या डिकोड करूं मैं इसको. छोटी कहानियां चेकोव की एक गुलदस्ता एक धुन जज्बात वही की अब भी दिन वो याद. निंटेंडो स्वाद ना पेन डोंट स्टार असीमत. निंटेंडो इज अ गेमिंग कंपनी आई थिंक. निंटेंडो इज अ गेमिंग कंपनी. स्वाद में माई पेन. Nintendo स्वाद माई पेन डोंट स्टॉप. एसिमिथ एसिमोव की गायरोबोटिक इज समथिंग अबाउट जायरो. जायरोबोटिक ड्रीम्स इंद्रियों के कैलिडोस. Asimov की gyrobotic dreams इंद्रियों को kaleidoscopic बेहतरीन. Palpatine का विनाश अमोर कफीन. कुनोहा का कुरे हिप हॉप के हुकागे बिना खौफ के हम करते हैं. जन्मे जहन्नुम में सो आसो यूज इन फनो काटे. चक्रों से ऊपर चक्र व्यू को तोड़ा मी सांगे. शब्दों का बांध the topics I choose become and modest. Now that Trump is gone I'm happy for Padme Amidalis. जिंदगी के करवटों पे राह अपनी ना पलो. अजीबुर्रहमान मौला इंटरनेशनल पैरा स्विमर 11 नेशनल मेडल्स. पैरा स्विमर. स्विमर की कोई अहमियत ही नहीं है भाई इंडिया में. इंडिया में बस अगर तुम स्पोर्ट्स के नाम पे देखोगे तो क्रिकेट है और रेसलिंग थोड़ी बहुत अभी आई है. फुटबॉल का तो नाम नहीं था. फुटबॉल भी थोड़ा बहुत चल रहा है अभी. क्रिकेट है. हॉकी हो गया. टेनिस हो गया बस. और ओलंपिक्स में जो होते हैं ना अरे यार ओलंपिक्स में जो होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा तो इंडिया में कुछ अहमियत ही नहीं है उन चीज़ों की. इस बंदे ने जीता है पैरा स्विमर में 11 नेशनल मेडल्स. नंबर वन इन हिज कैटेगरी इन इंडिया. नो वन नोज अबाउट हिम. इवन आई डोंट नो. मैं भी नहीं जानता. मैं भी खुद को उनमें गिनता हूँ. लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर हु कैन सपोर्ट हिज ट्रेनिंग. ₹3,000 पर मंथ. ओके. सूफिया मौला इंटरनेशनल पैरा स्विमर 9 नेशनल मेडल्स. लुकिंग फॉर अ हियरिंग एड विच कॉस्ट ₹15,000. इंटरनेशनल पैरा स्विमर ब्रो. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल ब्रो. 3,000 35,000 5,000 ऐसे इतने रुपए चाहिए. और दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. और सरकार इतना भी नहीं कर सकती क्या इनके लिए भाई. इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए जमा करती या टैक्स वैक्स लेती है इतने. और इतने 3,000-4,000 रुपए के लिए भाई इनकी हेल्प नहीं कर सकती क्या. पता नहीं यार मतलब क्या ही बोलूं एपीआर के बारे में मैं. भाई मुझे एपीआर एक बात बताओ कि
कितने दिन में लिखते हो भाई ये गाना? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जिस टाइप की लिरिक्स हैं और जिस टाइप की बातें बोल रहे हैं भाई, मेरे को तो मैं भाई इमेजिन भी नहीं कर सकता, लाइक लिटरली यार, मतलब क्या ही लिरिक्स हैं ब्रो। अबे सर के ऊपर से जा रहे हैं भाई, मतलब क्या ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा मैं क्या भाई, तुम भी नहीं कर पाओगे प्रोनाउंस, और फिर प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब कहाँ तुम यार, मतलब यू नो व्हाट, पता है मैं सिचुएशन बताता हूँ, EPR कहाँ पे है, रुको। देसी हिप हॉप इंडिया में जो हिप हॉप है, इंडिया का जो हिप हॉप है वो है अभी इट्स लाइक प्लैनेट्स, हमारा जो स्पेस है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं हम, अपने गैलेक्सी की स्टडी कर रहे हैं, लाइक इवन नॉट अपने गैलेक्सी की, बस 9 प्लैनेट्स की हमने स्टडी की है थोड़ी बहुत, ठीक है। देसी हिप हॉप है, थोड़ी बहुत अपने गैलेक्सी के बारे में भी हम जान चुके हैं, बट गैलेक्सी के बाहर कितनी गैलेक्सीज हैं, समझ रहे हो? हमारा यूनिवर्स भाई, हमारा खुद का यूनिवर्स पूरा स्टडी नहीं हुआ है अभी तक, हमारी गैलेक्सी के अलावा करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, और वो सिर्फ एक यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, जिस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी है उस यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, ठीक है, वो यूनिवर्स बन गया एक, ठीक है, अब उसके बाद अलग अरबों करोड़ों यूनिवर्सिस हैं, इस बात की गारंटी है, उसके अलावा और यूनिवर्सिस हैं, और हर एक यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सीज में कुछ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देसी हिप हॉप है, अभी अपने गैलेक्सी की स्टडी हो रही है, ठीक है, एंड EPR इज अनदर यूनिवर्स, जो अभी अपने यूनिवर्स की ही स्टडी नहीं खत्म हुई भाई, EPR इज नेक्स्ट यूनिवर्स ब्रो, मतलब क्या बोलू भाई, एक यूनिवर्स की स्टडी पूरी नहीं हुई है, दूसरा यूनिवर्स कहाँ, अभी तो बहुत दूर है यार, लाइक टाइम से बहुत आगे चल रहा है EPR, अभी इसके लिरिक्स को समझने के लिए ना बहुत फ्यूचर में जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, बहुत फ्यूचर में जाना पड़ेगा, वो बहुत ही आगे जाना पड़ेगा, ही इज़ अहेड ऑफ टाइम भाई, अपने देसी फॉप जिस टाइम में चल रहा है उससे बहुत आगे है, इसका लिरिसिज्म भाई, नॉलेज बेस इसका कितना खतरनाक होगा, मैं बोल रहा हूँ कि EPR भाई UPSC का एग्ज़ाम दे दो, मैं बता रहा हूँ UPSC का एग्ज़ाम दे दो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो भाई EPR, UPSC का एग्ज़ाम दे दो भाई, प्लीज़ भाई UPSC का एग्ज़ाम दे दो, यू हैव सो मच, क्या बोलूँ भाई, क्या ही नॉलेज बेस है यार, मतलब हद ही हो गई है लिटरली ब्रो। भाई देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो ख़त्म करता हूँ, बड़ी होते जा रही है खामखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय एंड सी यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस सॉन्ग, इफ़ यू लाइक EPR, अगर EPR के फ़ैन हो तो भाई सब्सक्राइब करो भाई, माफ़ कर देना, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं डीकोड नहीं कर पाया, ये मेरी औकात के बाहर थे भाई ये लिरिक्स, ठीक है, मैं भी इसी यूनिवर्स में हूँ, मैं बाहर के यूनिवर्स को कैसे स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड सी यू।